एंड डॉक्टर भट्टी, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। देयर इज अ व्यूअर हु सेज कि ऑल राइट प्लीज ओके टेल प्लीज इज इट सर ओके टू गिव ब्लड शुगर। ऑल राइट ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या घर पे ब्लड सैंपल देना सही है और उससे क्या हमें सही रिपोर्ट मिलेगी, सही रिजल्ट मिलेगा। हाँ देखिए, घर पे टेस्ट कराना, घर पे ब्लड सैंपल देना गलत नहीं है, सही है। क्योंकि बहुत सारे आजकल के जिस तरह की हमारी बिजी शेड्यूल है, हम लोग नहीं ट्रेवल कर सकते, लैब पे नहीं जा सकते, तो होम सैंपल कलेक्शन का काफी ज्यादा प्रचलन है और लोग चाहते भी हैं कि घर से ब्लड सैंपल ले लिया जाए। या इसके अलावा काफी सारे वनरेबल पॉपुलेशन है, हमारे एल्डरली लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको होता है कि घर पे टेस्ट करा ले। तो घर पे सैंपल कलेक्ट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वही चीजें काम आएगी जो अभी हम बात कर रहे थे शुरू से, क्योंकि आज का जो हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं इसके अंदर की हमें क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज चूज करनी है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो नेगेटिवली इफेक्ट आएगा, हमारी पॉकेट पे भी इफेक्ट आएगा, और अगर रिजल्ट ठीक नहीं आया तो फिर उसमें हम और ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही आ जाता है शुरू से कि आप ये चूज करें कि कहाँ से आप करा रहे हैं, फर्स्ट थिंग कौन सी लैब से करा रहे हैं, क्या वो लैब पूरी तरह से सर्टिफाइड है कि नहीं। जैसे डॉक्टर सांत्वना ने बताया कि NABH NABL वो एक्रीडिएटेड लैब है कि नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपको इंश्योर कर लेना है इसके अंदर कि वो सैंपल लेकर कहाँ पर जा रहे हैं आपका, कि एक्चुअली इसमें ज्यादातर क्या देखी जाती है आम प्रैक्टिसेस कि आपका सैंपल लिया और वो जब तक एक नंबर्स पूरे नहीं हो जाते कि इतने सैंपल्स लेकर फिर हम लोगों को लैब में ट्रेवल करना है, क्योंकि उसके लिए एक पूरी पॉलिसी होती है, वो सब फॉलो होनी चाहिए कि पूरे राइट टेम्परेचर पे वो सैंपल ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं, टाइम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें कुछ है ध्यान में रखने वाली। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप जहां पर भी जिनको भी सैंपल दे रहे हैं वो कहाँ पर जा रहा है, कौन सी लैब में जा रहा है, उस और उस लैब की एक्रीडिएशन और इन सब के बारे में आपको पहले पता कर लेना है, उसके बाद सैंपल देना। घर पे सैंपल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं।